बातें नजीए आलम है। चंद महारिज का ख्याल है क्रिसमस की खुशी को मनाने का बात जर्मनी से हुआ और कुछ समझते हैं कि मशरक वासी से इसकी शुरुआत हुई और फिर दीगर दुनिया के इलाकों में रस्म अदा की गई। पापा इनका इलाका यीशु मसीह की पैदाइश का दिन नहायत ही खूबसूरत और मानिकेत अंदाज में मनाया जाता है। रब सदक मेरे और आपके नजदीक ये जरूरी है कि हम अपने नजी गुलाम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में खुशामदीद कहें। जनाब सदर मुकदसा मत्ती के अंजील बयान के मुताबिक जो इस सारे की रहनुमाई में खुदा यीशु मसीह तक पहुंचे ये सितारा दुआ के अखबार से बेहतर हम का सारा खुलाता है। बहुत से महाजन के नजदीक ये सारा अंबियों के नबूतों की तकमील था। ये खूब में से एक सारा निकलेगा और इसराइल में से असा उठेगा और मुआब की मुआही को मार मार कर साफ करेगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। रहमत ने रब की सबको पामाल कर दिया, रहमत ने रब की सबको पामाल कर दिया, आके खुदा ने धरती पे कमाल कर दिया। जनाबे सदर हम बड़े दिन के वाकया में देखते हैं कि वो इंसान बना, उसने इंसानी शक्ल व सूरत इख्तियार की। हम ईमान रखते हैं क्योंकि आदम ने गुनाह किया, इसके बाद जितने भी इंसान पैदा हुए इतने इन्हें अपने वालदैन से मुरूसी गुनाह की फितरत मिली। देखो मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। जनाबे सदर अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह किस तरह बेगुनाह फितरत लेकर दुनिया में पैदा हुए। खुदा बाप ने चीदा मसले का हल इस तरह किया कि इसने इसी कुवारी से पैदा होने दिया। हमें कुवारी से पैदाइश के बेद पर ईमान रखना है, इसका एहतराम करना है, इसे कबूल करना है, तभी ही हम मसीही हो सकते हैं। यीशु अल मसीह का कोई बाप नहीं था, वो कुदरत की कुदरत से कसम मरियम से पैदा हुए, इसलिए इसमें गुनाह की फितरत मुंतकिल नहीं हुई। यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया कि वो बनिनो इंसान पर खुदा को जाहिर करे। खुदा यीशु अल मसीह का कवारी से पैदा होकर दुनिया में आने का मकसद ही ये था कि बनिनो इंसान को बचाया जाए, क्योंकि वाकया वो फरिश्तों का नहीं बल्कि इब्राहिम की नस्ल का सादेसा है। आखिर मैं अपनी तकरीर इस शेर से खत्म करूंगी। अर्श को छोड़कर फर्श पे आ गया, अर्श को छोड़कर फर्श पे आ गया, गूंज उठी है फिदा यीशु आ गया, बेकसों बेसहारों का शाह आ गया, गूंज उठी है फिदा यीशु आ गया। शुक्रिया।